जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत पर। तो दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत ही अच्छे माउथ पेन, जो दोस्तों जिसका नाम है कैंडिड। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, डोजेस के बारे में, साथ ही साथ प्राइस और कुछ वार्निंग जो है ये सब आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये एक कैंडिड माउथ पेंट जो होता है, इसका उपयोग अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इसके कंपोजिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोट्रिमेजोल जो है कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन का उपयोग हम लोग दोस्तों फंगस जो होता है एंटी फंगस पे करते हैं। दोस्तों फंगस से कोई आपकी बीमारी हो जाती है मुंह पर, दोस्तों आपके मुंह पर छाले हो जाते हैं, आपके थ्रैश हो जाते हैं, मीन्स आपके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, आपके बच्चे के मुंह पर, आपके मुंह पर बहुत सारे सादे सादे जीप पर हो जाता है। आप यहाँ पर फोटो पर भी देख सकते होंगे, इस प्रकार की जब बीमारी होती है जिसे हम लोग फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार की बीमारी में आपको जलन होती है मुंह पर, आप अपने खाना नहीं खा पाते हैं और आपको पेन बहुत होता है, तो उस समय इस ये जो कैंडिड जो है होता है माउथ पेंट का उपयोग किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले इसे आपको सामने से दिखा दूं, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सामने से, ये एक 25 ml का एक बहुत ही अच्छा माउथ पेंट होता है जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आपके मुंह पर जो छाले हो जाते हैं, आपके मुंह पर दाने हो जाते हैं आपके माउथ के अंदर, इसके साथ ही साथ आप में जो थ्रैश जम जाता है, होंठ पर दोस्तों सादे सादे हो जाते हैं, जीभ पर सादा हो जाता है, तो उस समय इसका उपयोग करते हैं और ये फंगस को मार भगाता है और उसे आपको ठीक कर देता है। और दोस्तों अगर इसके मैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। नॉर्मली आपको जो है दोस्तों देखा गया है कि खुजली होती है और आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि बहुत कम केसेस में देखा गया है। और दोस्तों इसके यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है आप सबसे पहले जान लीजिए। दोस्तों आप पहले क्या करें कि थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी को ले लें। गर्म पानी लेने के बाद आप अपने मुँह पर जो है दोस्तों थोड़ा उसे मुंह पर गालगर करके उसे फेंक दे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मुंह को अच्छे से जो आपके अंदर माउथ है उसे पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसे जिस स्पॉट पर आपके ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब सादा जम गया है और साथ ही आपके जो है दोस्तों दाने हो गए हैं और आपके छाले हो गए हैं, तो वहाँ पर इसे लगा लें। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसे लगाने के पहले जब भी आप लगाएं तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि इसे खाना खा लेने के बाद, या तो आपको रात के समय में लगाना है या तो खाना खाने के 2 घंटे पहले लगाना है। क्योंकि जब भी अब अगर आप इसे लगाते हैं, लगाने के बाद खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों ये सही से काम नहीं करेगा। लेकिन मेरा ये विचार है कि आपको इसे रात में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और दिन पर भी खाने के पहले यूज़ करना चाहिए, ताकि ये सही तरीके से काम कर सके। और दोस्तों आपको इसे लगाकर 2 टाइम यूज़ करना है। 2 टाइम यूज़ करिए दोस्तों, आपके जो भी छाले हैं, आपके मुँह पर जो होंठ पर जो दाने निकले हुए हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे के मुँह पर जिस प्रकार के माउथ में कुछ परेशानियाँ हुई हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको ये सब बीमारी से ये निजात दिला देगा। दोस्तों इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस जो है वो 140 रुपये है, जो कि शायद ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा उपयोग करने में है। इसके रिज़ल्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं दोस्तों, तो इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो कंपनी जो बनाती है वो जो है दोस्तों ग्लेनमार्क कंपनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इसे बनाती है और इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे पाए गए हैं दोस्तों करने से। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी परेशानियाँ हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके तो दोस्तों वार्निंग यही है आपके लिए कि आप इसे जब यूज़ करते हैं तो आप अपने मुंह पर इसे 10 से 15 मिनट लगा कर रखें,
और इसे अच्छे से धो लीजिए। जब इसका आप 15-20 मिनट हो जाए और धो लेने के बाद आपको मुंह से अच्छे से पानी से कुल्ला कर लेना है, जिससे क्या होगा आपके जो भी ये दवा लगी होगी उसे निकल जाएगी। और इसके साथ आपको एक और वार्निंग है कि इसे आप जो है दोस्तों ठंडे स्थान पर रखें, जहाँ पर आपके घर फ्रिज होगी उन पर रखें, या कोई भी ठंडी जगह पर रखें, इसे गर्म जगह पर ना रखें, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।